चैनल मैथमेटिका। टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एग्जांपल 1 ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो द क्वेश्चन इज, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको एग्जांपल 1 में 3 पार्ट्स गिवन है जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है, प्लस वो ट्रू क्यों है या फॉल्स क्यों है उसका आपको जस्टिफाई करना है, मींस उसका आपको रीजन देना है। सो द फर्स्ट पार्ट इज, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। उसने पूछा है क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। तो होल नंबर्स क्या होते थे हमारे, जो जीरो से स्टार्ट होते थे, और नेचुरल नंबर्स क्या होते थे, जो वन से स्टार्ट होते थे। तो जीरो जो है आपका वो एक नेचुरल नंबर के उसमें नहीं आ रहा, जीरो जो है आपका होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। सो ये स्टेटमेंट जो है, एक भी अगर हमें एग्जांपल मिल जाता है ऐसा, तो वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। सो होल नंबर जो है, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। सो अब हम इसका क्या लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। तो आंसर क्या होगा, फॉल्स वाई, फॉल्स क्यों होगा, एज जीरो इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, सिर्फ यही हमारा रीजन है जो कि होल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं होता है, बाकी सभी होल नंबर जो है आपके नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर इंटीजर जो है रैशनल नंबर है, यस हर इंटीजर रैशनल नंबर है। क्यों है, बिकॉज हम इंटीजर को जो है पी बाय क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर इंटीजर को। तो हम लिखते हैं ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर लेट से एम कैन बी रिटन एज या कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको, हम पी बाय क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं और एम बाय वन, एंड सो इट इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है, क्योंकि हर नंबर m को जो है हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, m बाय वन, मीन्स जैसे 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 बाय वन, 5 को 5 बाय वन, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो हर इंटीजर को चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हम उसे रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट इज, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि पी बाय क्यू फॉर्म में होता है। ठीक है, तो क्या 2 बाय 7 को हम इंटीजर कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो लिखते हैं इसका आंसर, फॉल्स बिकॉज एनी नंबर इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, पी बाय क्यू इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 बाय 7 इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, बट हर एक इंटीजर जो है आपका रैशनल नंबर होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। क्लियर है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एग्जाम्पल 2 के साथ, तब तक के लिए आप नंबर सिस्टम का जितना कराया है वो आप रिवाइज कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।